हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। और आज हम कुछ नॉन वर्बल एनालॉगी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली फिगर्स दे रखी होती हैं, वो किसी फॉर्म में रिलेटेड होती हैं और उसी रिलेशन को फाइंड करके हमें दूसरी फिगर पे रिलेशन लगा के उसका रिलेटेड फिगर ढूंढना होता है। तो जैसे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, द फर्स्ट फिगर इज रिलेटेड टू द सेकेंड फिगर इन अ सर्टेन वे, स्टडी द पैटर्न एंड सेलेक्ट द फिगर विच शुड बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क सच दैट द थर्ड फिगर इज रिलेटेड टू द फोर्थ फिगर इन द सेम वे। ये दो फिगर आपस में रिलेटेड है और हमें क्वेश्चन मार्क वाली फिगर निकालनी है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, इस फिगर में K जो है 90 डिग्री रोटेट हो गया इस डायरेक्शन में, तो हम भी P को इस डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे तो स्टैंडिंग P बन जाएगा ऐसे। तो इस ऑप्शन में P दो जगह है, ठीक है। फिर आप इस देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस फिगर में 6 साइड्स का वो है हेक्सागन और यहाँ पे पेंटागन हो गया 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स साइड्स डिक्रीज हो गए बाय 1। तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिगर्स का है, तो 7 फिगर्स का ढूंढना है हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये है और ये है 1, 2, 3, 4, 5 तो हमारा ऑप्शन होगा बी। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन टू, ये भी यही कह रहा है कि ए और बी रिलेटेड है, सी और डी का डी फिगर निकालनी है जो सेम रिलेशन में हो। तो अगर आप देखें ध्यान से इस फिगर को, तो इसमें कितने लोब्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट लोब्स। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इसमें क्या लोब्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट फिगर वो बने हुए हैं फ्लैग्स, तो हमें कितने के ढूंढने, 5 वाले फ्लैग्स। तो 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें है 3 और 6 इसमें 4, तो ऑब्वियसली डी आंसर है हमारा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, सेज फिगर ए इज रिलेटेड टू बी, ए और बी रिलेटेड है, हमें सी और डी में निकालना है। तो आप सबसे पहले देखो कि ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ ऐसे पॉइंटेड करके बना हुआ है और यहाँ पे ये वाला ऐसे करके पॉइंटेड बना हुआ है, तो यहाँ पे पी है तो पी यहाँ पे पी हो जाना चाहिए। तो किस किस फिगर में ये पी है, ये और सी और डी फिगर में। फिर उसके बाद ये पी उल्टा बन जाएगा क्योंकि ये पॉइंटेड पहले इस डायरेक्शन में था, अब नीचे वाली डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी उल्टे में पी हो जाएगा, दोनों फिगर में सेम है। अब देखो इसमें एरो ऊपर की तरफ है, इसमें एरो नीचे की तरफ है, तो इसमें एरो ऊपर की तरफ है तो इसमें नीचे की तरफ होगा, जो कि इस वाली फिगर में नहीं है, इस वाली फिगर में है, तो सी ऑप्शन इज राइट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, आप ये देखो सेलेक्ट, ये भी इस फिगर में ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं और ये निकालना है। तो आप ये देखो 1, 2, 3, 4 ठीक है, 1, 2, 3, 4 लाइन्स है इसमें और 5 ये, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। अब इसमें कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, तो हमें 6 फिगर उसका देखना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें 6 लाइंस हैं, ये हेक्सागन है, ये सर्कल है, ट्रायंगल है और ये स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा, बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, 5 में ये ए और बी फिगर रिलेटेड है, सी दे रखी है, हमें डी निकालनी है। सबसे पहले देखो P यहाँ पे था और P नीचे पहुँच गया, तो यहाँ पे क्या है, K, तो देखो K जहाँ पे यहाँ पहुँच गया होगा वो, एक ये फिगर है, एक ये फिगर है, एक ये फिगर है, एक है, सिंपल देखने में ही दिख रहा है, सिर्फ एक लौती ये फिगर है जिसमें K यहाँ पर है ठीक है। अब आपको कहो कि K यहाँ पर भी है, लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ पे P ऐसे है और फिर यहाँ पे P उल्टा है, तो ऐसे K यहाँ पे सीधा है तो यहाँ पे उल्टा होना चाहिए, यहाँ पे सीधा है, तो हमारा आंसर, हमें और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं, हमारा आंसर आ भी गया बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी